कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल वर गुड एट योर होम। तो काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि बीच में टाइम ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का। हाँ, तो बीच में टाइम ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का क्योंकि शेड्यूल ही कुछ ऐसा हो गया था, ऑफिस से घर मतलब लग जाता था टाइम, जिसके कारण व्लॉग बनाने का फिर मन ही नहीं करता था। मतलब मन तो क्या नहीं करता था, पर टाइम ही नहीं होता था व्लॉग बनाने का। सो आज मौका मिला है व्लॉग बनाने का। हाँ, मैंने सोचा था कि चाचा की शादी का व्लॉग बनाऊँ, तो सोचा था बनाऊँगा लेकिन नहीं बना पाया फिर भी। बट इस वीडियो में जो अभी स्टार्टिंग का पैर है, उसके बाद में थोड़े सी क्लिप्स, फ़ोटोज़ और वीडियोस थोड़े थोड़े ऐड करूँगा। थोड़ा काम ज़्यादा था, मैं नहीं चाहता था कि उस काम के बीच में उसे इन्वॉल्व कर दूँ। मैं बस इन्जॉय करना चाहता था वो शादी का टाइम, क्योंकि मेरे सारे कज़न्स थे वहाँ, तो वहाँ सिर्फ इन्जॉय करना चाहता था, डांस करना चाहता था और वही किया। व्लॉग की टेंशन नहीं थी उस समय, तो सब बोल भी रहे थे कि तूने व्लॉग क्यों नहीं बनाया करके, तो ये एक रीज़न था। और आज हम मतलब फैमिली के साथ जाने वाला हूँ माता मनसा देवी के मंदिर, तो वहाँ का मैं तो आज का व्लॉग बना ही लेते हैं। थोड़ी बहुत क्लिप्स जो है वो शादी की ऐड हो जाएंगी, और मनसा देवी जा रहे हैं तो वहाँ का भी व्लॉग बना दूँगा। अभी तो मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, बाकी मेरी फैमिली रेडी हो रही है। भाई मेरा अभी उठा है, वो नहाने गया हुआ है, और 7 बजे मैं उठा था, अब 8 बज चुके। तो आज का जो मैंने अज्यूम किया है कि मैं आज क्या क्या करने वाला हूँ, उस हिसाब से तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बनने वाली है। आई मीन 15 to 20 minutes, अगर मैं वो पुरानी मतलब जो शादी की थोड़ी बहुत क्लिप्स हैं अगर मैं वो भी ऐड करता हूँ तो ठीक है। बाकी देखो, जो हम अज्यूम करते हैं ज़रूरी नहीं कि वही होता है। जैसे कि मैंने अज्यूम किया था कि मैं शादी का व्लॉग बनाऊंगा, बट नहीं बना पाया किसी रीज़न से, ठीक है। और जैसे अब सब बोलते हैं ना कि बनानी चाहिए वीडियो, मतलब पोस्ट करनी चाहिए, अब मुझे ये होता है कि मैं कहीं घूमने जाऊँ मैं तभी पोस्ट करूँ। ये रोज़ का मतलब
अपनी ऑफिस लाइफ दिखा के या अपना घर की लाइफ दिखा के, ना मुझे मज़ा आएगा ना देखने वालों को मज़ा आएगा। और मुझे कोई ऐसा फेम भी नहीं चाहिए कि बस मुझे चाहिए कि भाई मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएं। कोई बात नहीं, मेरे घर वाले देख रहे हैं, बहुत है मेरे लिए। इवन सब अच्छा बोलते हैं जब मेरे घर वाले मेरा व्लॉग्स देखते हैं, मेरी फैमिली पूरी देखती है मेरे व्लॉग्स, मेरी बुआ ताऊ जी जितने भी मेरे मेम्बर्स हैं, नानी नानी और हो गए, मौसी और हो गए, तो उनको अच्छा लगता है। कहता है कि अब जब हम फ़ोन में फ़ोटोज़ खींचते हैं या हम फ़ोन में वीडियोज़ बनाते हैं तो एट सम टाइम लाइक वो डिलीट हो जाती हैं, कभी ना कभी तो हो ही जाएंगी। कभी फ़ोन रिसेट हो गया और फ़ोन ऐसा लॉक हो गया या कुछ ऐसा हो गया फ़ोन में जिससे तुम अपना डेटा भी वापस नहीं ले सकते, फिर क्या कर लेंगे, सारी मेमोरीज़ गई। तो एक व्लॉग मेरा छोटा सा एक मोटिव है कि कहीं हम किसी जगह घूमने जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैं व्लॉग में ऐड कर रहा हूँ वो हमारी याद रहे कि यार ये थी, यहाँ गए थे। तो फेम फूम का कोई चक्कर नहीं है यार, फेम फूम मिलता रहेगा, छोटी बहुतों के फेम आए हैं, बहुतों के गए भी हैं। तो क्या कर रही है, ओ तूने क्यों मुंह फेर लिया, हेलो हाँ इधर यहाँ देख, इधर देखने का। हेयर वी आर इन मनसा देवी और इन दोनों को आगे जाने की पड़ी हुई है। रुक जो जरा, आप कहाँ क्या भाई, वहां से रास्ता नहीं है क्या यार, है यहाँ जाना है इनको, अपना फन सूझ रहा है वो देखना। स्टार्ट हो जाता है मेरे बैक साइड से और मम्मी पापा बस प्रसाद ले लें तो उसके बाद चलते हैं मंदिर की तरफ। ये रास्ता बंद किया हुआ है अभी क्योंकि ये रास्ता तब खोला जाता है जब भीड़ ज़्यादा होती है, वरना जब नॉर्मल भीड़ है तो यहाँ से जाओ। वैसे यूजुअली संडे के दिन इतनी कम भीड़ नहीं होती, संडे के दिन काफ़ी भीड़ होती है, या तो मे भी सुबह सुबह इसलिए शायद ज़्यादा लोग ना आए हों, ठंड भी तो है, हर कोई हमारी तरह भक्त भी नहीं होता। है यार भीड़ है, चलो ऊपर चलो, यहीं से ऊपर से खींचूंगा जहाँ मंदिर द्वार दिखेगा। हाँ बता बता के तो ये व्लॉग बनवा रहे हैं। तो ये है वैसे मंदिर, मनसा देवी का मंदिर। अभी मेन मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं, मतलब वहाँ ऐसे अलाउड भी नहीं है, मना किया हुआ है कि आप मंदिर परिसर में जाते कैमरा नहीं दिखा सकते, सो वो भी नहीं दिखाया है।
सो बेसिकली मनसा देवी में दो मंदिर हैं मेन, एक मेन मंदिर अभी गया, अभी जो हम जा रहे हैं वो पटियाला मंदिर है। ये मंदिर माता मनसा देवी के लिए पटियाला के एक राजा थे पहले, उन्होंने बनाया था जहाँ तक मुझे याद है। तो मतलब उनका ये था कि उन्होंने यहाँ वहाँ से पटियाला से एक गुफा बनाई थी जो कि शायद आज भी है, तो वो गुफा बनाई थी, वो गुफा इस मंदिर तक आती थी। तो मुझे तो अभी इतना तक ही पता है। तो ये है वो मंदिर, पटियाला मंदिर। वैसे अगर ये जगह किसी को याद हो तो किसी ने अगर सन ऑफ सरदार देखी हो तो इसमें पता लगेगा कि ये सीन कहाँ पर है। वो पटियाला मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था। तो वो क्या है, बुरा थोड़ी लग रहा है, स्टाइल है, ठीक है स्टाइल, ऐसे नहीं बोलने का। उनको तो बोलने थे पहले, होता नहीं है। लड्डू दे दे। और मेरी मम्मी को यहाँ का भंडारा बहुत पसंद है। है मम्मी, कड़ी चावल नहीं मिल रहा ना बस, अभी अभी मिलेगी चा ब्रेड नहीं रस है यार। सुबह भंडारा भी खा लिया है और अब थोड़ी बहुत फोटोग्राफी चल रही है, भाई वहाँ लगा हुआ मम्मी पापा की फ़ोटो खींचने में, एक दो भी मैंने खींची थी। सो ऐसा ही है, मतलब एक सुकून मिलता है ना यहाँ पे आके। यहाँ पे नहीं, मेरा वैसे काफ़ी जगह मन जाने का है, मेरा वैष्णो देवी जाने का मन है और चेन्नई में जो मंदिर है विष्णु जी का वहाँ मन है, केदारनाथ वो वहाँ तो हर बंदा जाना चाहता है, हर एक इंसान जाना चाहता है। जो सोल को रिलैक्सेशन मिलता है ना वहाँ जाके, सुनने में जो आता है, मतलब सुनने में क्या, हम मैं जब फ़ोटो देख लेता हूँ मेरे को तो तब हो जाता है भाई, बस इतनी एनर्जी है उस जगह की या क्या बताएं। तो जब इतने में हो जाता है तो फिर बाकी तो, और एक राम सेतु, वहाँ वहाँ तो जाना ही जाना है, ज़रूर जाएंगे कभी ना कभी तो जाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर। बट मैं मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो मुझे लगता है पर्सनली और मेरी फैमिली को लगता है उसके हिसाब से, मनसा देवी ये जो मंदिर है यहाँ पे हमें बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। लाइक जब भी होना, जैसे होता है ना, तो जब माता की मूर्ति सामने आती है ना, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, इतना मतलब होता है ना कि एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम ये सोचते हैं, मतलब मम्मी और हम सब जब घर में बात करते हैं तब भी मैं ये बोलता हूँ कि अभी मतलब अगर हम मनसा देवी में हमारा ये है जो हमारे लोकल में है, ठीक है, जब हम केदारनाथ जाएंगे तब क्या होगा, तब कितनी एनर्जी होगी उस जगह की। ओह कांट ना, तो हमको तो कभी दिलाई नहीं जब हम छोटे छोटे थे। क्यों, ये इतना रोता था कि मेरे को दिला दो, मेरे को दिला, तब तो दिलाया नहीं। आज भी रोता हूँ। कह रहा मैं आज भी रोता हूँ। इनको यहाँ पे लेना कुछ नहीं है, देखना सब कुछ है। तो अभी मनसा देवी के दर्शन जो हैं पूरे हो चुके हैं, अभी बस घर जाके थोड़ा खाना खुना खा के, थोड़ा ऑफिस का काम पेंडिंग है वो करना है, एंड फिर देखता हूँ कहाँ का प्लान बनता है, क्या प्लान बनता है। कोई गरज ही नहीं। उसके बाद सो मेरा आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है, और मतलब ज़्यादा कहीं नहीं जा पाया मैं। सुबह माता मनसा देवी के मंदिर गए थे, दैन उसके बाद घर पे आया, ब्रेकफास्ट किया, फिर थोड़ा ऑफिस का काम था वो किया, कज़न साथ बैठे थे तो कांतारा मूवी देख रहे थे, जो इससे पहले मैंने क्लिप लगाई थी उसमें किसी की शक्ल नहीं दिख रही है क्योंकि अंधेरा करके वो मूवी देख रहे थे। मूवी आधी छोड़नी पड़ी क्योंकि जाना पड़ा था कहीं पर, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और तो इसके बाद अभी देखो मेरा कोई फिक्स तो होता नहीं कि मैं कब व्लॉग बनाऊंगा कब नहीं बनाऊंगा, जब टाइम मिलेगा तो आई एम श्योर कि मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊंगा, कहीं भी घूमने जाऊंगा चाहे छोटा ही बनाऊं तो बनाऊंगा ज़रूर, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। मैं अब जैसे जॉब कर रहा हूं तो उस चीज़ को पूरा तरीके से फुलफ़िल नहीं कर पाता, लेकिन मेरा बहुत मन करता है। अब ये अलग बात है ना कि जैसे वर्किंग है तो नहीं कर पाते क्योंकि चीज़ें काफ़ी टाइम जो है क्लैश होता है हर एक चीज़ का और नहीं मिल पाता टाइम, तो अब उसके में मैं कुछ भी कर भी नहीं सकता उस चीज़ के लिए, है ना। तो नेक्स्ट टाइम अब कहीं घूमने जाऊंगा
तो ज़रूर बनाऊंगा। वो पर डिपेंड करता है कि मैं कब जा रहा हूँ, वो 1 महीने बाद होगा या हफ्ते बाद होगा, क्योंकि मुझे यार ये ऑफिस का दिखाना, घर में क्या कर रहा हूँ दिखाना अच्छा ज़्यादा लगता नहीं। कभी एक आध बार कर दिया तो कर दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अगले हफ्ते डालता हूँ कुछ, मैं कहीं नहीं जाता हूँ तो मैं घर का ही डाल दूँगा, फिर वो कभी कभी का ठीक लगता है। मतलब ऐसा भी नहीं ना कि मैं हर 3-4 दिन बाद एक व्लॉग डाल दे रहा हूँ कि घर में आज ये हुआ, घर में आज हुआ, वो काम मुझे नहीं आता। मुझे फेम वेम का लालच नहीं है। मेरे लिए मेरी फैमिली मेरा व्लॉग देख रही है, मेरे फ्रेंड्स मेरा व्लॉग देख रहे हैं, बहुत है इतना मेरे लिए। मतलब क्या और क्या चाहिए, मुझे इस चीज़ का इंटरेस्ट है, मैं कर रहा हूँ। मेरी मेरी जो मेरी हॉबी है, जैसे एक्टिंग मुझे पसंद है, मुझे सिंगिंग पसंद है, हालांकि सिंगिंग तो मैं नहीं करता व्लॉग में। तो ये सब चीज़ मेरी मैं यहाँ कर देता हूँ, जैसे एक्टिंग वगैरह, तो चलो ठीक है, जिस चीज़ का इंटरेस्ट है ना वो चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम से बोलता आ रहा था, लास्ट 2 साल से बोल रहा था कि व्लॉग करूँगा। 2000 आई थिंक जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तभी व्लॉग जो है वो हाइप में आए थे। तो देखते हैं, और मैं लाइक शेयर के लिए नहीं तो नहीं बोलूँगा, इन्जॉय करो, कोई बात नहीं। लाइक शेयर के लिए तब बोलना पड़ता है जब मैं रोज़ डाल रहा हूँ। इन्जॉय करो मेरे व्लॉग्स को, और आगे डालता रहूंगा जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा। सो डालूंगा, थैंक यू सो मच। पैंती है फिर तक चैंपियन है, चैंपियन है। चंगा फिर अगली।